अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज जिस चीज़ के बारे में आपको रिव्यू करवाने वाला हूँ उसे मूली कहते हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं, मूली का इस्तेमाल बरसगीर में शुरू से ही किया जा रहा है। मूली एक ऐसी चीज़ है जो कुदरती तौर पर ग़िज़ाइयत से भरपूर है और इंसानी जिस्म के लिए नहायत पावरफुल चीज़ है। तो व्यूअर, जैसा कि आप जानते हैं कि मूली का इस्तेमाल पाकिस्तान के अंदर सर्दियों में किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल कुछ लोग सलाद के तौर पर करते हैं और कुछ तो मूली का पराठा खाते हैं, और मूली के पराठे में मूली का ऐसा लजीज और लज्जत भरा जायका मौजूद होता है जो हर दिल को लुभा जाता है। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं, मूली का इस्तेमाल हम खाने के तौर पर भी कर सकते हैं, मूली का पराठा भी खा सकते हैं, मूली का अचार भी खा सकते हैं, और मूली से मुख्तलिफ चीज़ों में डालकर मूली को एक बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं, मूली के अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन और दूसरे तमाम फाइबर जैसी तमाम अज्जा से भरपूर होती हैं। तो व्यूअर्स, अब चलते हैं इसके चंद फ़ायदों की जानिब जो हमारे जिस्म को मिलते हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं, मूली का इस्तेमाल हमारे मसाने, जिगर, मैदा और जिस्म के तमाम अज्जा से गर्मी का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा करती है, क्योंकि गर्मी का शदीद हो जाना हमारे लिए नुकसानदेह साबित होता है। और व्यूअर्स, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मूली का इस्तेमाल हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बरकरार रखता है और इसे एक हद तक कंट्रोल रखता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन जैसी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। और मूली का इस्तेमाल कब्ज जैसी ख़तरनाक बीमारी का बेहतरीन इलाज मूली का इस्तेमाल करने से है। और अगर आप एक हफ्ते के लिए मूली को पत्तों समेत इस्तेमाल करते हैं तो आपके तमाम ये अमराज मैदे के जो हैं वो तमाम ख़त्म हो जाएंगे और आप एक नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ जाएंगे। और जिगर और इसके अलावा यरकान जैसी ख़तरनाक बीमारियों के लिए इसका इस्तेमाल करना बहुत ही मुफीद है। इसके लिए एक नुस्खा बताता हूँ आपको। दो मूलियों को लें, उसको पत्तों समेत ब्लेंडर में उसे पीस लें और उसके बाद उसको हाथ से इस तरह निचोड़ें कि उसका पानी जो है वो निकल जाए। और इसका इस्तेमाल आप नाश्ते से पहले इसमें अगर एक चम्मच शक्कर की डालकर करते हैं तो आपके लिए ये बहुत मुफीद है। ये आपके जिगर, मसाने और तमाम अज़ा को ताकत देता है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मोटापे के जैसा मर्ज़ है, आपका वज़न बढ़ चुका है और इसका कोई हल नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ, आप मूली का इस्तेमाल करना शुरू कर दें और आहिस्ता आहिस्ता आप देखते जाएंगे कि आपका वज़न किस तरह कम होता है। तो व्यूअर्स, अगर मेरी वीडियो को आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली